भारत की बात में पहली सियासी खबर आपको बताते हैं। कृषि कानून से शुरू हुआ किसान आंदोलन फिलहाल रुकने वाला नहीं है। आज लखनऊ में किसानों ने महापंचायत की और ऐलान कर दिया कि एमएसपी समेत बाकी 5 और मांगे जब तक पूरी नहीं होंगी ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। बड़ी बात यह है कि इन मांगों में गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी को हटाने की मांग भी शामिल है। हमारी रिपोर्ट देखिए। अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, अब आप अपने अपने घर लौटे। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान खुद प्रधानमंत्री मोदी कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। लखनऊ में महापंचायत से किसानों ने आज कह दिया, जब तक एमएसपी पर कानून समेत उनकी 6 मांग पूरी नहीं होंगी तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तैयार रहे, संघर्ष जारी रहेगा। अभी संघर्ष विश्राम की घोषणा हमने नहीं करी। संघर्ष विश्राम की घोषणा भारत सरकार ने करी। प्रस्ताव अभी ठुकरा दिया। हमारे मसले बहुत है। अभी वो नेते फिर हो गए, अब कोई बहाना फिर ढूंढेंगे। अब ये टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, वो इस तरह की वार्तालाप करते रहे। मोदी जी ने जो करना था आपके सामने कर दिया। कृषि कानूनों पर किसान आंदोलन की जीत को देखकर एमआईएम सांसद ओवैसी ने इस मुद्दे को सीएए कानून से ही जोड़ दिया। जिस तरह आपने किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात पर डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। ओवैसी अपना एजेंडा सेट करने में लगे हैं, लेकिन एक बात साफ हो गई कि कृषि कानूनों पर पीएम मोदी के ऐलान के बाद जो उम्मीद बंधी थी कि किसान घर लौटेंगे, लेकिन किसानों की नई मांग की वजह से लग रहा है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में किसान आंदोलन का मुद्दा खत्म नहीं होने वाला। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई अब जातियों के गुड़ाभाग पर आ गई है। आज मिशन उत्तर प्रदेश पर गोरखपुर पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के राजभर जाति के कार्यकर्ता के घर भोजन किया। साथ ही जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री योगी अपने चुनावी साथी संजय निषाद के घर भी पहुंचे। आपकी जनता पार्टी की सरकार योगी के नेतृत्व में लेकर आएगा। जल्दी आपकी टोपी भी लाल से केसरिया होने वाली है, इसकी आपको चिंता आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। अब यहाँ पर जो दंग दनाते थे वो दरिंदे अब अपील करते हैं कि मुझे जेल के अंदर डाल दो। मिशन यूपी पर निकले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जब गोरखपुर में प्लेन से उतरे तो स्वागत करने के लिए खड़े थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी के साथ तमाम बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर जेपी नड्डा श्री गोरक्षनाथ मंदिर पहुंचे और देखिए कैसे मंदिर में जमीन पर लेटकर अर्चना की। चुनावी शक्ति के लिए इस भक्ति के दौरान सीएम योगी भी मौजूद रहे। इसके बाद गोरखपुर में सज गया जनसभा का मंच और जेपी नड्डा और योगी ने विपक्ष पर यहाँ तमाम निशाने साधे। उंगली सही जगह पड़े इसकी चिंता करना प्रजातंत्र में बहुत जरूरी है। गलत जगह पड़ जाए तो चिन्ना याद आता है, सही जगह पड़ जाए तो राष्ट्रभक्त आगे खड़े हो जाते। भारत की आस्था को आहत करने वाले आतंकवाद समर्थक जिन्नावादी भी दूसरी तरफ खड़े होते हुए दिखाई देंगे। और भाइयों बहनों, उन स्थितियों में याद रखना चुनाव बड़ा रोचक होगा। यूपी का गोरखपुर योगी आदित्यनाथ का वो गढ़ है जहां भरोसा और काम का दूसरा नाम योगी आदित्यनाथ माना जाता है। जेपी नड्डा ने भले ही योगी के गढ़ गोरखपुर से अपना दौरा तेज किया हो, लेकिन इस बार उनकी रणनीति इन तस्वीरों से साफ हो जाएगी। गोरखपुर में जेपी नड्डा ने बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ता बलराम राजभर के यहाँ भोजन किया। योगी आदित्यनाथ भी यहाँ थे।
कार्यकर्ता बलराम राजभर के बहाने बीजेपी ने यूपी में उन राजभर वोटरों को साधने का संदेश दिया है जिनके ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के अलग होने से छिटकने का डर है। सुहेल देव पार्टी के ओम प्रकाश राजभर पहले बीजेपी के साथ थे लेकिन अब अखिलेश के साथ हैं और मुलायम के जन्मदिन का केक काट रहे हैं, तो इसीलिए राजभर कार्यकर्ता के साथ भोजन कर जेपी नड्डा ने गोरखपुर से राजभर समुदाय को बीजेपी के साथ का भरोसा दिया है क्योंकि यूपी की ओबीसी आबादी में करीब 4% राजभर समुदाय के लोग हैं। इसके अलावा माना जा रहा है कि बीजेपी ने ओम प्रकाश राजभर के अलग होने की कमी संजय निषाद की पार्टी के साथ गठबंधन कर पूरी कर ली है। यूपी की चुनावी लड़ाई अब जातियों के गुणाभाग पर आ गई है। यूपी में पिछड़ों का साथ जिस पार्टी को मिलेगा यूपी की सत्ता का ताज भी उसके ही सर बंधेगा। पिछड़ों के वोट बैंक को लेकर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में जबरदस्त घमासान मचा है। तो महिलाओं को हर महीने हजार हजार रुपए दिए जाएंगे, मुफ्त की सियासी रणनीति का टारगेट इस बार केजरीवाल ने महिलाओं को रखा है। पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने हजार रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे। दिल्ली से जाकर पंजाब के चुनावी मैदान में अपनी पार्टी के लिए अरविंद केजरीवाल ने इस बार मुफ्त वाला दाव पंजाब की महिला वोटर पर लगाया है। केजरीवाल बोले, आपकी सरकार बनी तो महिलाओं के खाते में हर महीने डाले जाएंगे हजार हजार रुपए। पैसा बड़ी ताकत देता है, तो आज मैं ये ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की पंजाब में सरकार बनेगी, पंजाब की हर महिला को, 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने हजार रुपए उसके अकाउंट में हम डलवाया करेंगे सबके। 3 महीने में छठी बार पंजाब के दौरे पर आए केजरीवाल ने आज इशारों इशारों में यहां की कांग्रेस की चन्नी सरकार पर निशाने भी साधे। आजकल पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है। मैं जो भी पंजाब में आके वादा करके जाता हूं वो 2 दिन बाद वही बोल देता है, करता नहीं है, नकली है। बिजली का बिल जीरो करना किसी को नहीं आता, केवल केजरीवाल आपके बिजली के बिल जीरो कर सकता है, तो उस नकली केजरीवाल से बच के रहना। पंजाब में करीब 2,80,00,000 आबादी है जिसमें से करीब 98,00,000 महिला वोटर्स हैं। पिछले चुनाव में यहां वोट डालने महिला वोटर्स पुरुषों से ज्यादा पहुंची और यही बात है कि मुफ्त वाली सियासी रणनीति को लेकर अब की बार केजरीवाल ने पंजाब में सीधे महिलाओं को टारगेट किया है। हो गया है भारत की बात के स्पेशल सेगमेंट का। आज बात करेंगे देश के दुश्मन को जवाब देने वाले मां भारती के 2 वीरों की, उनके शौर्य को मिले सम्मान की। आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में सशस्त्र सेनाओं के जांबाज योद्धाओं को वीरता मेडल से नवाजा गया। देश के लिए अपनी जान की परवाह ना करके दुश्मन से दो दो हाथ करने वाले हर वीर पर हिंदुस्तान को नाज है। लेकिन आज हम उन 2 योद्धाओं की कहानी आपको दिखाएंगे जो भारत के लिए मिसाल बन गए। आज ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र से नवाजा गया और आज ही पुलवामा के गुनहगार आतंकियों से लोहा लेने वाले शहीद मेजर विभूति को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। भारत की बात में आज देखिए वीरों के शौर्य की विजय गाथा। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल ने अदम्य साहस, असाधारण बहादुरी एवं अनुकरणीय निस्वार्थ सेवा का प्रदर्शन करते हुए भारतीय सेना की गौरवशाली परंपराओं में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल।
फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को नियंत्रण रेखा की ओर बढ़ते हुए देखा गया। आपने शत्रु के लड़ाकू बम वर्षक वायुयानों का पीछा किया और मिसाइल से एक F-16 वायुयान को मार गिराया। इस घनघोर युद्ध में शत्रु की एक BVR मिसाइल आपके वायुयान से टकरा गई और आपको शत्रु की सीमा में उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। जब तक आपको 1 मार्च 2019 को वापस सौंपा गया, तब तक आपने असाधारण दृढ़ता बनाई रखी। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। ये भारत माँ के वो वीर सपूत हैं जो देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने से पीछे नहीं हटे। शहीद मेजर विभूति और ग्रुप कैप्टन अभिनंदन, ये वो दो नाम हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को चोट पहुंचाने वाली नजर और नियत दोनों को करारा जवाब दिया। आज इन दोनों जाबाजों के शौर्य का सम्मान हुआ है। अपनी बटालियन में आने के तुरंत बाद से ही कई सफल अभियानों का उत्कृष्ट नेतृत्व करते हुए अद्वितीय पराक्रम का परिचय दिया। गर्व है, गुमान है, आंखों में हिंदुस्तान के अभिमान का आसमान है। टीवी स्क्रीन पर मौजूद दो तस्वीरों में पहली तस्वीर शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की पत्नी और उनकी मां की है। मेजर विभूति को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सुशोभित किया गया है। शत्रु का मुकाबला करने के सिवाय शौर्यपूर्ण कार्यों के लिए शौर्य चक्र, मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल। जबकि दूसरी तस्वीर ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की है जिन्हें दुश्मन के खिलाफ शौर्य और अदम्य साहस का परिचय देने के लिए वीर चक्र से नवाजा जा रहा है। अपने कर्तव्य के प्रति असाधारण समर्पण तथा शत्रु के सामने अदम्य साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। ग्रुप कैप्टन वर्तमान अभिनंदन। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख जनरल बिपिन रावत समेत राजनीति से लेकर रक्षा तक कई बड़े नाम मौजूद थे। लेकिन शुरुआत शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल से, जिनकी वीरता की कहानी हिंदुस्तान के हर नागरिक को मालूम होनी चाहिए। देश को ये पता होना चाहिए कि खुले आसमान के नीचे बिना दहशत की हर सांस के पीछे वीरों की कितनी बड़ी कुर्बानी होती है। शंकर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में तैनात थे, जो बटालियन में आने के बाद से ही कई सफल अभियानों के नेतृत्व को अंजाम दे चुके थे। और वो तारीख थी 14 फरवरी 2019 जब पुलवामा में CRPF काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले के बाद पुलवामा के ही पिंगलान गांव में हमले के जिम्मेदार आतंकियों के होने की सूचना मिली थी। 18 फरवरी को आतंकियों को ढेर करने के लिए सेना ने एक ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन का नेतृत्व मेजर विभूति शंकर कर रहे थे। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वो छुपे हुए आतंकवादियों की गोलियों की बौछारों के बीच रेंगते हुए उनके नजदीक पहुंचे। भागते हुए आतंकवादियों पर सटीक गोलीबारी करते हुए एक कट्टर आतंकवादी को मार गिराया। मारे गए आतंकवादी की पहचान जैश-ए-मोहम्मद तंजीम के खतरनाक आतंकवादी के रूप में।
गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद आखिरी सांस तक आतंकवादियों का मुकाबला करते हुए अंततः मेजर विभूति ने मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी। शहीद मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल का परिवार मिसाल है, क्योंकि पति के शहीद होने के बाद पत्नी देश सेवा के लिए आगे आई। इस तस्वीर को देखिए, पति के लिए शौर्य चक्र लेने जा रही ये पत्नी फौज की वर्दी में है, राष्ट्रपति को सैल्यूट कर रही है, क्योंकि शहीद मेजर विभूति की पत्नी नीतिका कौल आज की तारीख में फौज में लेफ्टिनेंट रैंक की अफसर बन चुकी है। लेकिन ये आसान नहीं था। मेजर विभूति और नीतिका की शादी को सिर्फ 10 महीने हुए थे। शादी के 10 महीने बाद नीतिका के सामने देश के लिए प्राण न्योछावर करने वाले उनके पति का शव था। लेकिन वो पत्नी टूटी नहीं, वो पत्नी हारी नहीं। अपने पति की शहादत को सलामी देते हुए इस पत्नी ने अदम्य साहस का परिचय दिया था। नीतिका ने कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी अपने पति शहीद मेजर विभूति के नाम कर दी और उन्होंने जो कहा था वो कर दिखाया। नीतिका ने सेना में भर्ती होने का फैसला किया और पति की मौत के 6 महीने बाद SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन की परीक्षा दी और पास भी हुई। और वो दिन भी आया, नीतिका ढौंडियाल ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट का पद संभाला। तस्वीरें इसी साल 29 मई को चेन्नई की हैं, जब नीतिका ने देश की रक्षा के लिए भारतीय फौज की वर्दी पहनी थी। I imagine that and I felt that the same journey that he has traversed through and I'm traveling through the same journey. So I believe he's always and always going to be part of my life and even today he's somewhere around looking at me and I can feel that he's just holding me and saying you just did it. ये मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल की माँ सरोज है, जिन्होंने अपना बेटा देश पर न्योछावर करने के बाद बहू का हौसला बढ़ाया और सेना में बहू के शामिल होने के लिए उसे हर तरह की मदद की। उसे ही शौक था आर्मी में जाने का, बचपन से ही उसको बहुत शौक था कि मैं आर्मी में जाऊंगा। उसको मैंने प्रोत्साहित किया फौज में जाने के लिए, तो वो भी खुशी खुशी फौज में शामिल हो गई, आज वो लेफ्टिनेंट बन गई। जिस देश के पास मेजर विभूति शंकर ढौंडियाल जैसा परिवार हो, जिसकी पत्नी से लेकर माँ के लिए मातृभूमि से बड़ा कुछ भी न हो, उस देश के हौसले के आगे बड़े से बड़ा दुश्मन भी पौना साबित हो जाता है। और वीरता और पराक्रम की ऐसी ही बेमिसाल कहानी ग्रुप कैप्टन अभिनंदन की भी है। टीवी स्क्रीन पर बालाकोट एयर स्ट्राइक के हीरो ग्रुप कैप्टन अभिनंदन मौजूद हैं, जिन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर जेट को मार गिराया था। विंग कमांडर अभिनंदन 27 फरवरी 2019 को वायुसेना स्टेशन श्रीनगर में ऑपरेशनल रेडिनेस प्लेटफॉर्म पर तैनात थे। सुबह 9:55 पर उन्नत हथियारों से लैस पाकिस्तानी वायुसेना के लड़ाकू वायुयानों को, जिनमें चौथी पीढ़ी के उन्नत F-16 तथा JF-17 शामिल थे। लगभग 10 बजे अभिनंदन को तुरंत शत्रु के विमानों को रोकने का संदेश दिया गया और फिर भारतीय वायुसेना के इस बाहुबली के पराक्रम ने पूरे पाकिस्तान में खलबली मचा दी थी। विंग कमांडर अभिनंदन रूसी फाइटर जेट MiG-21 बाइसन पर सवार थे। अभिनंदन वर्तमान ने न सिर्फ दुश्मन के फाइटर जेट को भारतीय एयर स्पेस से खदेड़ दिया, बल्कि पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया। हालांकि इस दौरान विंग कमांडर अभिनंदन का बाइसन लड़ाकू विमान पाकिस्तान की एक मिसाइल का निशाना बनकर क्रैश हो गया, लेकिन पैराशूट से कूदकर अभिनंदन ने अपनी जान बचा ली। पर अभिनंदन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK पहुंच गए थे।
पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंधक बना लिया था। अभिनंदन वर्धमान की पसलियों और रीढ़ की हड्डियों में चोट आई थी। बताया जा रहा है कि अभिनंदन जब पीओके में उतरे तब स्थानीय लोगों ने उन पर हमला कर दिया था, इसी वजह से उनकी पसलियों में चोट आई थी। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन ये समझ चुके थे कि वो आसानी से पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल पाएंगे और इसीलिए उन्होंने अपने पास रखे तमाम संवेदनशील डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर दिया था, क्योंकि वायुसेना में सिखाया गया था कि किसी भी हाल में दुश्मन को देश की सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज नहीं देने। पाकिस्तानी आर्मी ने विंग कमांडर अभिनंदन से पूछताछ की और अभिनंदन अपने फौलादी जिगर के साथ दुश्मन के हर सवाल का सामना करते रहे। अभिनंदन वो योद्धा हैं जो दुश्मन की जमीन पर भी डरे नहीं। अभिनंदन पाकिस्तान में डटे रहे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद देश की रक्षा से जुड़ी कोई जानकारी पाकिस्तान को नहीं दी। और फिर भारत के कड़े रुख के चलते पाकिस्तान ने अभिनंदन को रिहा कर दिया। पाकिस्तानी सेना के हिरासत में रहते हुए भी अभिनंदन की निर्भीकता और उनकी बहादुरी का पूरा देश कायल हो गया था। अभिनंदन जब वाघा बॉर्डर से हिंदुस्तान की जमीन पर वापस लौट रहे थे तो उनकी झलक के लिए पूरा भारत टकटकी लगाए इंतजार कर रहा था। अभिनंदन के पिता भी वायुसेना का हिस्सा रह चुके हैं। इसी महीने विंग कमांडर अभिनंदन को प्रमोशन देकर उन्हें ग्रुप कैप्टन बना दिया गया, जो थल सेना में कर्नल रैंक के बराबर माना जाता है। और अब वीर चक्र देकर देश ने उनकी बहादुरी का अभिनंदन किया है। तो वीरों की बहादुरी को देश सलाम करता है। आज के लिए भारत की बात में मेरे साथ इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। आप आगे देखिए वायरल फटाफट।